बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक थे, जो कि हेलेनिन संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध है और विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों और दखलताओं के साथ टीयर वाले बगीचों की एक चढ़ाई श्रृंखला के साथ इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित है। यह मिट्टी ईंटों के बने हुए एक बड़े हरे पहाड़ जैसा दिखता है। यह आज के इराकी नगर अल हिल्लह के निकट था। इस उद्यान का निर्माण नबुकदनेस्सर द्वितीय ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व करवाया था। ईसा से 2 शताब्दी पूर्व एक भूकंप में यह उद्यान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे, ऐसा मानना है। इसका नाम ग्रीक शब्द क्रोमोस्टोस से लिया गया है, जिसका आधुनिक अंग्रेजी शब्द है लटकाना। यह एक छत जैसे उठाए गए ढांचे पर लगाए जाने वाले वृक्षों को संदर्भित करता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हैंगिंग गार्डन को उनकी महारानी अमिटिटस के लिए नियो बेबिलियन के राजा नबुकदनेस्सर ने द्वितीय ने, जिसने 605 और 562 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, उसने बनवाया था। द मार्वल ऑफ मैनकाइंड नामक एक भव्य महल भी बनवाया था। उसके साथ साथ ये बगीचा बनवाया गया था, क्योंकि उनकी वह महारानी अपने मातृभूमि को और पहाड़ियों और घाटियों को याद करती थी, इसलिए ये हैंगिंग गार्डन लटकता हुआ बगीचा बनाया था। समकालीन बेबिलोनियन स्रोतों में दस्तावेजों की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि हैंगिंग गार्डन वास्तविक में निर्माण था या एक काव्य है। नबुकदनेस्सर की पत्नी अमाइटस का भी कोई उल्लेख ठीक से नहीं मिलता है। कई रिकॉर्ड नबुकदनेस्सर के कामों में मौजूद है, फिर भी उनके लंबे और पूर्ण शिलालेखों में उनके किसी भी बगीचे का उल्लेख नहीं है। आखिर यह बगीचा कहाँ गायब हो गया था? यह बगीचा इस तरह बनवाया गया था कि जिसे हैंगिंग गार्डन कहते थे, हवा में झूलने वाला गार्डन। हेरोडोटस, जिसने अपने इतिहास में बाबुल का वर्णन किया था, उसने भी हैंगिंग गार्डन का जिक्र नहीं किया है। हालांकि बागानों को भी तब भी अस्तित्व में कहा गया था जब बाद में लेखकों ने उनके बारे में वर्णन किया था, और इनमें से कुछ खातों को बाबुल का दौरा करने वाले लोगों से प्राप्त माना जाता है। हालांकि यह हो सकता है कि बगीचे उनकी यात्रा के समय ग्रीक लोगों के लिए इतने नहीं माने जाते होंगे, इसलिए आज तक हैंगिंग गार्डन के लिए बाबुल में कोई पुरातत्व साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन आखिर ये हैंगिंग गार्डन कहाँ गायब हो गए, ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। ना उनके अवशेष मिलते हैं, ना कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगह है, उनके बारे में हम इतिहास और फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलती रहे।